चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कई चरणों में ये चुनाव होना है, तो उसको लेकर आखिर पार्टियों की कैसी तैयारी है, इस पूरे मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता महेश गिरी और पूर्वी दिल्ली से सांसद महेश गिरी जी। महेश जी, आखिर उस पल का जो इस पल का इंतजार सभी को था, वो घड़ी आज आ गई है, कितनी तैयार है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी पहले से ही लोगों के अंदर विकास के कार्यों को लेकर के गई हुई है और बूथों तक के कार्यकर्ता इसके लिए पहले से ही कार्यरत है और इसको देखते हुए ये तो आज ऐलान हो गया। जल्दी भी होता तो भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार थी, इसके लिए कोई शंका नहीं है। और ये संगठन अपने स्तर पर चुनाव लड़ता है, जैसे बाकी दलों को तो एजेंसियों को हायर करना पड़ता है, पर ये लोकतांत्रिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, जो केवल कार्यकर्ताओं से चलता है। कार्यकर्ता पूरी तरह से सुसज्ज है पुनः 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गद्दी पर बैठा। नामुमकिन अब मुमकिन, बीजेपी ये नारा दे रही है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि जो नामुमकिन चीजें थी, कश्मीर में 398 किलो ऑडियंस पहुंच गया वो आ गया, इसके अलावा बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, क्या मुद्दा होने जा रहा है इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, बेरोजगारी कांग्रेस में बढ़ गई है, हकीकत में देश में तो बेरोजगारी नहीं बढ़ी, क्योंकि देश ने जो विकास किया है उस विकास के अंदर बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब खुले हैं। अब आप रोड का देख लीजिए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन में जो क्रांति आई है, फिर बिजली के अंदर जो क्रांति आई है, रेलवे के अंदर जो क्रांति आई है, इसने सब जॉब ही क्रिएट किए हैं। और जो अगर आप देखा जाए तो कश्मीर की बात करें, कश्मीर के मुद्दे पर क्या है, पहले पाकिस्तान कुछ भी करता था तो केवल शांति वार्ता होती थी, निंदा प्रस्ताव होता था, अब ऐसा नहीं है। अब अगर कोई कुछ करेगा, उंगली उठाएगा, तो घर में घुसकर के उसको ठोकने की क्षमता इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है और ये सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से इस देश ने अनुभव भी किया है। दिल्ली में गठबंधन की तैयारी चल रही है, आप तो दिल्ली से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि दिल्ली में जिस तरह से गठबंधन की तैयारी चल रही है, उसमें बीजेपी के लिए राह कितनी कठिन होने वाली है? बीजेपी के लिए जरा भी राह कठिन नहीं होगी, गठबंधन होगा नहीं होगा इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं से चलने वाली पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से आश्वस्त है और बूथों के अंदर घर घर में जाकर के मोदी जी के कार्य, सांसद ने जो किए हुए कार्य है उसको लेकर के गए हुए हैं, हम लोग भी पूरी तरह से जमीन पर उतरे हुए हैं, तो कहीं भी नहीं ऐसा, उल्टा ये हुआ है। आपके टोटल टीवी के सर्वे में ही आया था कि कांग्रेस का जनाधार थोड़ा सा बढ़ा है, आम आदमी पार्टी का थोड़ा कम हुआ और बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई। क्या उपलब्धियां लेकर जाने वाले हैं? अगर पूरे देश की बात करूं तो प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को जिस तरह से विकास से जोड़ा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, चाहे किसान हो, महिला हो, यूथ हो, गरीब हो, हर किसी को विकास की धारा में जोड़ा है। दिल्ली के अंदर की बात करूं तो सांसद होने के नाते मैंने अपने क्षेत्र के अंदर ऐसी ऐसी योजनाओं को लेकर के आया हूं जिससे पूर्वी दिल्ली जो पिछड़ा हुआ माना करता था, आज साउथ हिल से भी ज्यादा प्रॉपर्टी के रेट हो गए हैं, क्योंकि पूर्वी दिल्ली को नई दिल्ली से इस तरह से कनेक्ट किया है मैंने, तो ऐसे विकास के कार्यों को लेकर के जाएंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर महेश गिरी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, ये बूथ से चलने वाली पार्टी है जो कि इस बार महागठबंधन को चुनौती देने जा रही है। अब देखना होगा कि जनता किस पर अपना ज्यादा विश्वास जताती है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।